जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में रिहायशी इलाके में गिरा ये पाकिस्तानी सेना का गोला है। युद्ध विराम का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तान ने तो उरी सेक्टर में अपनी पिछली करतूतों से भी हदें लांघ दी। लंबे समय बाद इतने घातक तौर पर रिहायशी इलाके में हमला हुआ। पाकिस्तान की इन हरकतों का नतीजा तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा। कैसी तबाही लोगों के घरों तक पहुंची है ये आपको नजर आ रहा होगा। उरी सेक्टर के इस गांव में पाकिस्तानी हमले के बाद सुरक्षा बलों को गांव वालों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा। बीमार है बच्चे, बड़ी परेशानी पड़ गई है, मकान खत्म हो गए। देख सकते हैं सर, पूरा गांव जो है पूरा गांव परेशान है। बच्चे भी रोड पे हैं, सब बड़े बुजुर्ग जो भी थे आपने देखा, अभी बीमार लोग थे उनको भी घरों से निकाला गया बाहर। फौज कल से हमारे साथ लगी हुई है, खासकर पुलिस जो है यहाँ पे। ये जो अभी देख सकते हैं लाइफ शेल जो था वो अभी ब्लास्ट किया गया है यहाँ पर। तो इसलिए गवर्नमेंट इंतजामिया से अपील करते हैं कि इसका कोई ऐसा सोल्यूशन निकाले ताकि जो आम गरीब लोगों की जाने जा रही हैं या नुकसान हो रहा है, गरीब इंसान का मकान नुकसान हो रहा है उसके लिए सब कुछ वही है, तो इस चीज़ का एक मुकम्मल तौर पर सोल्यूशन निकाला जाए। पूरी सेक्टर के रिहायशी गांव में पाकिस्तानी सेना की निर्लज्जता के बाद भारतीय सेना के बम निरोधक दस्ते ने कुछ बमों को निष्क्रिय भी किया। पाकिस्तानी सेना किस तरह गोलीबारी कर रही है इसकी तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किरण और रामपुर सेक्टर से भी आई हैं। इस साल पाकिस्तान की ओर से सीज फायर तोड़ने की घटनाएं मई में ही 1500 के आंकड़े को पार कर चुकी हैं। श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो।